बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे, अगला पाक आप सब बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मीन। चलो आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो मैं आ गई थी घाला के घर मेडिसिन लेने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मुझे दिखा ये कल्लू, जो कि हमेशा खाला के घर पर ही रहता है, मतलब खाला के घर का ही है ये। आ गई थी इसकी वीडियो बनाने, और ये मतलब थोड़ा बहुत डर रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरता है, और वैसे तो घर का ही है लेकिन फिर भी ऐसे डरता है जैसे किसी और का बिल्ला हो ये। उसके बाद मैं जल्दी से इससे बाय बोल के चली गई थी मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। खाला और मैं निकल गए थे। जब मैं आई थी ना, खाला अपने थोड़े काम फिनिश कर रही थी, तो मैं बैठी हुई थी, अपने भाई से बातें शातें कर रही थी, और जैसे उनके काम फिनिश हुए तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल, और रिपोर्ट्स में क्या आया है वो आज मुझे पता चलेगा फाइनली। अभी तक मुझे थोड़ी घबराहट थी, मुझे थोड़ी टेंशन थी कि पता नहीं कि डॉक्टर क्या ही बता दे मेरी रिपोर्ट्स वगैरह देख करके। तो बस मैं कल रात से ही थोड़ा ओवरथिंक कर रही थी। वेल, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है। मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर रही हूँ, साथ में कल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको लिंक शेयर किया था, और आज इंशाल्लाह कॉमेंट में भी मैं लिंक शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूँगी, और यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल भी शेयर करूँगी। तो वहाँ से जाकर के प्लीज़ 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 मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको पास कोई सजेस्टेड कंटेंट है, कोई सजेस्टेड टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो मुझे कमेंट ज़रूर बताइए कि मैं ज़रूर बनाऊँगी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और हाँ, अभी 2-3 चीज़ें पेंडिंग पड़ी जो मुझे कॉमेंट आया था, मैगी बनाने का, कपकेक बनाने का, और चैलेंज वीडियो करने का, और एक आता कमेंट शायद मैं भूल रही हूँ, वो भी मैं चेक कर लूँगी और उसको जल्दी से क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर रही हूँ, मैं ज़रूर पूरी करूँगी, बस थोड़ा डिले हो गया है, उसके लिए सॉरी। वैसे फिर मैं चल के खाला के साथ चली गई थी मेडिसिन लेने, और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई। वैसे तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा यहाँ पे, मतलब आज काफ़ी ज़्यादा ही मतलब रश कम था, सन्नाटा पड़ा हुआ था, तो इसलिए बस मेरा नंबर आ गया जाते ही, और फिर मैंने डॉक्टर से अपनी सारी रिपोर्ट शेयर करी, तो उन्होंने मुझे कहा कि सब नॉर्मल है, ऑल इज़ ओके, आपको थोड़ी सीरप वगैरह पीनी है जिसका टेस्ट बहुत वाहियात है। और फिर मैं घर आ गई मेडिसिन लेके, मतलब खाला के घर, और आते साथ ही यहाँ खालू ले आए थे हमारे लिए ये गजक, जो कि देखते ही मुझे नानी की याद आ जाती है, क्योंकि हमारी नानी को गजक बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे भी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। फिर मैंने खाला के यहाँ पर मेहंदी लगाई, बहुत गर्ली चीज़ यहाँ पर मैंने की है कि मतलब मैं घर से मेहंदी रख के लाई थी कि खाला के लगाऊँगी जाके। उसके बाद मैं घर आई, बस जैसे मैंने मेहंदी लगाना वैसे पापा आ गए थे मुझे पिक करने के लिए, तो मैं उनके साथ घर चली आई थी। उसके बाद शाम के टाइम सिस्टर ने यहाँ पे होममेड बनाई हुई थी ये दालमोठ, तो इसको एंजॉय किया, इसको मतलब नमकीन, होममेड नमकीन दालमोठ बनाई हुई थी हम लोगों के कानपुर में ना, दालमोठ ही बोलते हो, इसलिए मेरी आदत है, मेरे मुंह से दालमोठ ही निकलता है। वेल, चाय के साथ एंजॉय किया, फिर थोड़ी देर में हो गया था खाना खाने के टाइम, और आज हमने विंटर्स का पहला मटर पुलाव आया, जिसकी रेसिपी वीडियो मैंने सिस्टर से कहा था सिस्टर के फ़ोन से शूट करने के लिए, लेकिन पता नहीं वो अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूंगी कि हमारे घर में मटर पुलाव कैसे बनता है, और आप इसको क्या कहते हैं, मटर पुलाव कहते हैं, मटर बिरयानी कहते हैं, मटर चावल कहते हैं, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। वेल, मेरा तो ये विंटर का फेवरेट है स्टार्टिंग में, उसके बाद तो इतना यूज़ टू हो जाते हैं हम इसके कि मन ही नहीं करता खाने का। फिर हो गया रात का टाइम, और सिस्टर बना करके ले आती है यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, और साथ में मैं अपनी फाइल वगैरह लिख रही थी, लिखे पड़ी हूँ क्योंकि किसी भी वक्त टीचर बुला सकती है मुझे फाइल सबमिट करवाने के लिए, तो इसलिए। और देखिए, रात के टाइम ये हाल होता है हमारे घर का, पूरा सब फैला पड़ा है और सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लेटे हैं, जुबी भी सो रही है, और पूरे में सारा बिस्तर पड़ा हुआ है। आई एम श्योर अब ठंड के टाइम आपके घर का भी यही जो है वो हाल होता होगा, वैसे समर्स में इतना फैलावा नहीं होता है लेकिन विंटर में उतना ही पूरा रूम जो है वो मैसी पड़ा होता है। सुबह उठ के ना ये 5 किलो बिस्तर उठाने पड़ते हैं हमें,
इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिबलिंग्स की लड़ाई भी हो जाती है, किस किस के घर में ये सीन होता है विंटर्स के टाइम, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी सारे काम तो हम लोग खुशी खुशी कर लेते हैं, बिस्तर उठाने में बहुत ज़्यादा मतलब आलस भी आता है और साथ में लड़ाइयाँ भी होती है कि ये नेक्स्ट उससे पहले मैंने उठाया था इससे पहले। और यहाँ पर जुबी देखे उसका खाना जो है वो बॉईल हो रहा है चिकन वगैरह, और उसको चाहिए ड्राई फ्रूट, तो खुद से निकालिए। आजकल इसकी हरकतें बिल्कुल अलग ही होगी, खुद से खाना निकालने की कोशिश करती है। सुबह फजर के टाइम में भी अगर इसका बाउल खाली हो गया तो खुद से खटर पटर करती है, निकालने की कोशिश करती है, और अभी भी देखे निकालने की कोशिश कर रही है। और इसकी ना बाउल ऊपर रखा है क्योंकि ये ड्राई फ्रूट एक बार खा लेती है तो चिकन नहीं खाती, तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी होती है कि इसका पहले खाना गायब करो, फिर इसको थोड़ी तेज़ भूख लगेगी तो चिकन भी खा लेगी। अगर आपकी कैट ऐसा नखरे करती है तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कैट्स को ड्राई फूड पे डिपेंडेंट नहीं रख सकते हैं, उससे ना कैट का जो स्टमक है उस पर असर पड़ता है। ड्राई फूड इतना ज़्यादा कुछ वाव नहीं होता है, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता कि 24/7 जो है वो सिर्फ ड्राई फूड पे ही डिपेंडेंट रहे आपकी कैट, तो इसलिए उसे एग भी दे चिकन भी दे। तो अब आ जाता है आपका ये सरप्राइज़। आपके मन में बहुत क्वेश्चंस होंगे पहले वाली क्लिप देख के जो वीडियो के स्टार्ट में आई, क्या मेरा निकाह दिन था, निकाह हो गया मेरा? नहीं, मेरा निकाह नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक मेकअप लुक था जो मैंने क्रिएट किया था, बस ये जानने के लिए कि मैं कैसा मेकअप कर पाती हूँ। और मैंने काफ़ी अच्छा मेकअप किया था तो मैंने उसका थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा लिया। ब्राइडल मेकअप था, मैं इसी के बारे में कल बात करी थी कि क्या मेरी बात पक्की हो गई है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये वीडियो ऐड करूँगी ना तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर शॉक ज़रूर होंगे। तो मैंने ये एक छोटा सा अपना मेकअप लुक क्रिएट किया था, पूरा सारा सामान देखिए यहाँ पर फैला हुआ है। रात के तकरीबन 11 बजे मैंने ये सब कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया था, और इतना सुंदर कोई मेकअप टर्न आउट हुआ था। मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी पहनी, थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी थी, उसको मैंने हैक्स के तरीके से पहना, रेडी हो जाओ इतना अच्छा तो मन ही नहीं करता है फिर मेकअप वॉश करने का। मैंने तकरीबन 70-80 फ़ोटोज़ क्लिक करी बहुत खुशी खुशी, क्योंकि मेरा मेकअप बहुत अच्छे से टर्न आउट हुआ था और ये बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ा पंजाबी वेडिंग टाइप लुक आ रहा था इसका, और ये मेरे निकाह नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक मेकअप लुक है। अगेन आई रिपीट, और ये कैसा लग रहा है आप सब मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये छोटा सी प्रैंक था मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चिल दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ब्लॉग बाय एस में को जरूर फॉलो कीजिएगा। बाय।